दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल टॉपिक है द रोड टेकन, यानी कि वो रास्ता जिसे चुन लिया गया है। सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे, सालेम जो कि एक चेन्नई में एक जगह है, वहाँ पर जो एक ग्रीनफील्ड हाईवे है यानी कि एक राजमार्ग का निर्माण किया जाना है ग्रीनफील्ड में, यानी कि जहाँ पर खेती की ज़मीन है ज़्यादातर वहाँ पर। तो सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे मे नाउ बी अ फेट अकॉम्पली आफ्टर SC वर्डिक्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे जो है वो मे मतलब इसकी संभावना है, इसकी मतलब कि अब जो है ये एक फैट अकॉम्पली बन चुका है, ठीक है ना। फैट अकॉम्पली का मतलब वो चीज़ जिसको टाला नहीं जा सकता है, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी कि निर्विवाद हो चुका है ये चीज़। बाय अपहोल्डिंग नोटिफिकेशंस इंटेंडिंग टू एक्वायर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर द प्रपोज चेन्नई सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे, द सुप्रीम कोर्ट हैज बोथ पेव्ड द वे फॉर कंप्लीटिंग द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस एंड सॉट टू इंश्योर दैट इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस आर ऑब्टेंड बिफोर इट्स कंस्ट्रक्शंस। तो आइए देखते हैं। बाय अफोल्डिंग, अफोल्डिंग का मतलब होता है बरकरार रखना यानी मेंटेनिंग। नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफिकेशन जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो जारी किया गया था उसको जो है बरकरार रखते हुए, ये जो नोटिफिकेशन किसके संबंध में था, इंटेंडिंग इसका मंशा क्या था या इरादा क्या था, टू एक्वायर एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि कृषि से संबंधित जो लैंड है, भूमि जो है उसको एक्वायर करने का, उसको अधिग्रहण करने का, उसको प्राप्त करने का, फॉर द प्रपोज्ड प्रस्तावित चेन्नई सालेम ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए, यानी कि जो प्रस्तावित चेन्नई सालेम जो ग्रीनफील्ड हाईवे है उसके लिए जो है एग्रीकल्चर लैंड को हासिल करने की मंशा से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया हैज़ बोथ बोथ मतलब दोनों, उसने रास्ता तैयार किया है या मार्ग प्रशस्त कर दिया है किसके लिए, फॉर कंप्लीटिंग द लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। ये एक्वायर से ही एक्विजिशन बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। एक्वायर जो वर्ब है, एक्विजिशन नाउन है। तो भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है एंड सॉट टू इंश्योर, और इसने क्या उसने चाहा है सुनिश्चित करना दैट इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस यानी कि पर्यावरणीय जो मंजूरी है, जो अनुमति है वो प्राप्त किया जाए बिफोर इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके बनने से पहले, इसके निर्माण से पहले जो है एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जो है वो मतलब कि प्राप्त किया जाए, इस बात को सुनिश्चित करने की भी इसमें एक तरीके से मांग की गई है, उस चाहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। इट हैज रूल्ड, इसने फैसला दिया है दैट इट विल बी प्रीमैच्योर टू एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज टू ऑब्टेन इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द लैंड लिंक टू द प्रपोज्ड अलाइनमेंट ऑफ अ हाईवे, बट वंस द लैंड वॉज नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन एंड सर्वेड फॉर फिजिबिलिटी दे वुड हैव टू अप्लाई फॉर ऑल द स्टेचुटरी क्लियरेंसेस। ये जरा सा लंबा वाक्य है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहां तक का वाक्य है, इसने फैसला दिया है, क्या फैसला दिया है कि यह जो है बड़ा प्रीमेच्योर होगा, मतलब कि अपरिपक्व होगा ये उम्मीद करना अथॉरिटीज से, अथॉरिटीज यहाँ कौन है, सरकार है, सरकार से ये उम्मीद करना कि बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि वो जो है इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स जो है, अनुमति जो है, पर्यावरणीय जो मंजूरी है वो प्राप्त करे एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द लैंड, यानी कि लैंड को आइडेंटिफाई यानी कि लैंड की जो पहचान की जानी है कहाँ से कहाँ तक बनाना जो है इस ये सड़क को, ये राजमार्ग को, तो उसके लिए लैंड को जो आइडेंटिफाई करने की बात होगी, पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे फिर जो है उस पर जो है अप्रूवल्स लिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है कि पहले आप जो है अप्रूवल्स लें, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। तो वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि अथॉरिटी से आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो जो है सबसे पहले इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स ले एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग द लैंड, यानी कि लैंड को आइडेंटिफाई जब आप कर रहे होते हैं उस चरण में आप इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स लें उससे पहले, जो कि जुड़ा हुआ है लिंक टू द प्रपोज्ड अलाइनमेंट ऑफ अ हाईवे, हाईवे के जो प्रस्तावित जो अलाइनमेंट है कि किस तरह से इसको जाना है और किस तरह से इसे किया जाना है, तो उससे जो जुड़ा हुआ जो लैंड को आइडेंटिफाई करने का जो स्टेज है, चरण है, उससे पहले जो है मतलब या उसी के समय जो है आप इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स लेते हैं,
उसके लिए अथॉरिटी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले एनवायरमेंटल अप्रूवल्स ले, तो ये अपने आप में बड़ा प्रीमेच्योर होगा उम्मीद कर, ठीक है। लेकिन लेकिन उसी तरह सुप्रीम कोर्ट कहती है उसी समय में, वंस द लैंड वॉज नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन, लेकिन एक बार, मतलब कि लेकिन एक बार ये नोटिफाइड हो जाता है, यानी कि इसको इसको अधिसूचित कर दिया जाता है अधिग्रहण के लिए, और इसकी फिजिबिलिटी के लिए, मतलब इसकी ये कितना फिजिबल है या कितना, मतलब कि इसकी उपयोगिता कितनी है, उपयोगिता नहीं कहें इसको, इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, तो उसके लिए एक बार सर्वेक्षण हो जाता है, ठीक है ना। दे वुड हैव टू अप्लाई फॉर ऑल स्टेचुटरी क्लियरेंसेज, तब उन्हें जो है, या ये जो है, दे किसके लिए आया है, ये आया है ऑथोरिटीज के लिए, तो उनको जो है तब अप्लाई करना पड़ेगा किसके लिए, स्टेच्यूटरी क्लियरेंसेस के लिए, वैधानिक जो मंजूरी के लिए, ठीक है ना, सारे वैधानिक मंजूरी के लिए ऑल, ठीक है। इट वुड बी एट द स्टेज ऑफ इंटरटेनिंग ऑब्जेक्शंस, ठीक है ना, इट वुड बी, यह होगा एट द स्टेज ऑफ इंटरटेनिंग ऑब्जेक्शंस दैट क्वेश्चंस सच एज वेदर द प्रोजेक्ट वाज ट्रूली अ पब्लिक पर्पस कुड बी डील्ड विथ, ठीक है ना। तो यह होगा, यह क्या होगा, यह होगा तब एट द स्टेज ऑफ इंटरटेनिंग ऑब्जेक्शंस। इंटरटेन का मतलब यहाँ पर कोई मनोरंजन करना नहीं होता, जैसे इंटरटेन, आई इंटरटेन योर क्वेश्चंस, मतलब कि मैं आपके क्वेश्चंस को हल करूंगा, या मतलब कि मैं आपके क्वेश्चंस को, मतलब कि एक तरीके से लूंगा हल करने के लिए, ठीक है। तो इट वुड बी एट द स्टेज ऑफ इंटरटेनिंग ऑब्जेक्शन, जब आपत्तियां सामने आएगी और आपत्तियों को ली जाएगी, तो उस चरण में जो है यह होगा, क्या होगा, दैट क्वेश्चंस, जो प्रश्न उठाए जाते हैं कि क्या सच है, जैसे कि क्या प्रोजेक्ट जो है वो सच में पब्लिक पर्पस के लिए है, यानी कि सार्वजनिक लोगों के हित के लिए है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है उसे, मतलब कि डील्ड किया जाएगा, उसे टैकल किया जाएगा, उसे निपटा जाएगा, उससे या निपटा जा सकता है। हाउएवर, हालांकि द लैंड कुड बी टेकन ओवर एंड कंस्ट्रक्शन बिगन ओनली आफ्टर द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज गिव देयर क्लियरेंसेज। हालांकि क्या कह रहा है कि लैंड जो है वो ली जा सकती है, टेक ओवर किया जा सकता है, उसको लिया जा सकता है, और कंस्ट्रक्शन जो है शुरू किया जा सकता है, केवल कंपिटेंट जो सक्षम ऑथोरिटीज है ना, जो सक्षम जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है अगर क्लियरेंस दी जाती है, तो उसके बाद जो है लैंड को भी लिया जा सकता है और कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया जा सकता है, केवल कंपिटेंट ऑथोरिटीज अगर उसको क्या करते हैं, क्लियरेंसेस दे देते हैं, और साथ ही साथ अलोंग विथ मेजर्स फॉर मिटिगेटिंग एंड रिमेडिंग पॉसिबल इन्वायरमेंटल डैमेज, साथ ही साथ जो है उन उपायों के साथ, मतलब कि जिसमें जो है जो इन्वायरमेंटल डैमेज जो होता है, पॉसिबल इन्वायरमेंटल डैमेज जो होगा उससे, उसको कम करने और उसका मतलब कि एक तरीके से रिमेडी करने के लिए, मतलब उसका उपचार करने के लिए, या आप कह सकते हैं उसको कम से कम ठीक करने के लिए, ठीक है ना, उसके कुछ जो मेजर्स होंगे, जो कुछ उपाय होंगे, वो भी साथ में दिए जा सकते हैं, ठीक है। द जजमेंट ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट व्हिच हैड टेकन न्यूएंस्ड पोजीशन इन फेवर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल लिवलीहुड्स ओवर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ अ न्यू हाईवे ऑन वर्जिन लैंड हैज बीन सेट असाइड इन द प्रोसेस। कहा जा रहा है कि ये जो जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने देखा अभी, लेकिन इससे पहले जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसने कि एक न्यूएंस्ड पोजीशन लिया था, न्यूएंस्ड मतलब सटल, बड़ा बड़ा सूक्ष्म, बड़ा एकदम एक तरीके से कह सकते हैं बारीकी से उसने इस बात को देखा था, इन फेवर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। उन्होंने किसके पक्ष में, मतलब कि न्यूएंस्ड पोजीशन लिया था, एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के, मतलब कि पर्यावरण के सुरक्षा के पक्ष में, एग्रीकल्चर के पक्ष में, और प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल लिवलीहुड्स, यानी कि जो ग्रामीण जो आजीविका है उसको संरक्षण करने के पक्ष में जो है, एग्रीकल्चर के पक्ष में और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के पक्ष में जो है, मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में ये पोजीशन लिया गया था, ये पक्ष लिया गया था एक तरीके से, ओवर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है ऑफ ए न्यू हाईवे ऑन वर्जिन लैंड। वर्जिन लैंड मतलब ऐसा लैंड जिसमें कि अभी तक कुछ और काम नहीं हुआ है, ठीक है, तो वर्जिन लैंड में जो नए हाईवे के जो आर्थिक लाभ हैं उसके अपेक्षा, ठीक है ना,
मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें जो पक्ष रखी गई थी वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की रखी गई थी, एग्रीकल्चर की रखी गई थी और प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल लिवलीहुड्स की रखी गई थी। तो इस मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ना उसको जो हैज बीन सेट असाइड, उसको जो है अलग थलग कर दिया गया, मतलब एक तरीके से उसको किनारे कर दिया गया इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में। द हाई कोर्ट हैड शोन ग्रेटर सेंसिटिविटी टू पॉसिबल लिवलीहुड एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स। हाई कोर्ट जो है उसने दिखाया था, क्या दिखाया था, ग्रेटर सेंसिटिविटी मतलब कहीं संवेदनशीलता को दिखाया था, कहीं ज़्यादा संवेदनशीलता को दिखाया था किसके प्रति, पॉसिबल लिवलीहुड के प्रति, यानी कि संभावित जो आजीविका है उसके प्रति, और जो इकोलॉजिकल जो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हैं उसके उसके प्रति। इट हैड फेवर्ड अर्लियर जुडिशियल इंटरवेंशन, इसने जो है फेवर्ड किया था मतलब कि पक्ष लिया था किस चीज का, अर्ली जुडिशियल इंटरवेंशन का, जल्दी से जल्दी जो न्यायिक एक तरह हस्तक्षेप का उसने मतलब कि मद्रास हाई कोर्ट ने इसका फेवर किया था। रिलाइंग ऑन जजमेंट्स, इस उस जजमेंट्स पर विश्वास करते हुए जो कि यूएस से आया था, मतलब यूएस के एक जजमेंट्स पर रिलाई करते हुए जिसमें जो है कहा गया है किसके खिलाफ, लेटिंग प्रोजेक्ट्स एडवांस टू सच ए स्टेट्स, लेटिंग मतलब यहाँ अलाउ, तो प्रोजेक्ट्स को अनुमति देना उस स्तर तक, उस स्टेज में चले जाने के लिए जहाँ से जो है लौटा नहीं जा सकता है, दैट इज इरिवर्सिबल कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, ऐसे स्टेज में ऐसे स्टेज तक बढ़ जाना, ठीक है ना, लेटिंग प्रोजेक्ट्स यानी कि प्रोजेक्ट्स को लेट करना यानी कि अनुमति देना उस तक बढ़ने का, उस स्टेज तक बढ़ने का, दैट देयर इज इरिवर्सिबल कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ से जो है इरिवर्सिबल कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का जो है इरिवर्सिबल कमिटमेंट हो, मतलब कि जहाँ से उसकी लौटने की संभावना जो है बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, द थ्री जज बेंच हैज नाउ रूल्ड दैट द हाई कोर्ट वॉज रॉन्ग इन होल्डिंग दैट क्लियरेंसेस अंडर इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट लॉज वर रिक्वायर्ड इवन बिफोर द इनिशियल लैंड एक्विजिशन नोटिस। ये जो थ्री जज बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसने अब फैसला दिया है कि हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट वो गलत था ये मानने में कि क्लियरेंसेस जो है, अनुमति जो है या मंजूरी जो है अंडर इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट लॉज यानी कि पर्यावरण और जंगल के का जो कानून है उसके तहत जो अनुमति है या आप कह सकते हैं मंजूरी जो है वो जरूरी है या जरूरी था इवन बिफोर द इनिशियल लैंड एक्विजिशन नोटिस, यहाँ तक कि जो शुरुआती लैंड यानी कि भूमि अधिग्रहण नोटिस के पहले ही वो क्लियरेंसेस जरूरी था ये मतलब कि इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट लॉज के तहत, ये मानना अपने आप में कोर्ट गलत था। ठीक है ना, ये मानती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इट गोज ऑन टू अपहोल्ड द सेंटर्स पावर टू नोटिफाई एनी स्ट्रेच ऑफ लॉ, ये आगे बढ़कर जो है अपहोल्ड करती है, बरकरार रखती है सेंटर्स के यानी कि एक तरीके से सेंटर के जो पावर है, जो केंद्र की जो शक्ति है नोटिफाई करने की मतलब अधिसूचित करने की किसी भी भूमि को, एनी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ठीक है ना, किसी भी भूमि को नोटिफाई करने की जो केंद्र की शक्ति है उसको यह आगे बढ़ते हुए अपहोल्ड करती है, मतलब उसको बरकरार रखती है, जिसमें जो है ग्रीनफील्ड लैंड भी शामिल है एंड नॉट मेयरली, और ना केवल जो है प्री एग्जिस्टिंग रोड शामिल है, मतलब कि पहले से जो मौजूद रोड है वही शामिल नहीं है बल्कि ग्रीनफील्ड लैंड भी शामिल है, ऐसा लैंड जो कि जहाँ पर खेती बाड़ी होती होगी वहाँ वो भी शामिल है, या जहाँ पर बहुत सारे जंगल वगैरह लगे हुए हैं वो भी शामिल है, ठीक है ना, एक नेशनल हाईवे के रूप में, एज पार्ट ऑफ ए ग्रोइंग बॉडी ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो है एक काफ़ी जो मतलब कि कह सकते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जो कि लगातार होते रहे और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो बढ़ता हुआ जो ज्यूरिसप्रूडेंस है यानी कि आप कह सकते हैं जो एक तरह से न्याय जो एक मतलब आप कह सकते हैं जो जजमेंट आया है बहुत सारे जो, ठीक है ना, तो टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो हैड लेट डाउन, उन्होंने रखा था किस चीज में, इन कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो एक मतलब विवाद था, ठीक है ना, एक
केस था 2006 में कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत रखा था, एक सामान्य सिद्धांत रखा था कि फ्यूचर में, ठीक है ना, बिफोर एक्वायरिंग लैंड फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए कोई भी लैंड को ग्रहण करने से पहले, द पॉसिबल एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट शुड बी प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंडेड। तो उससे पहले जो है, जो संभावित जो प्रतिकूल पर्यावरणीय जो असर है, इम्पैक्ट है, उसको जो है उचित रूप से समझ लेना चाहिए। एंड द एक्विजिशन डन इन ए वे, और जो अधिग्रहण जो है इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे इसको कोई भी बाधा ना पहुंचे, कोई भी इम्पेयर ना हो, ठीक है ना। इन अ डिपार्चर फ्रॉम दिस डिक्टम, इस आदेश से हटते हुए, ठीक है ना, इट इट मतलब सुप्रीम कोर्ट नाउ सेज, अब ये कहती है कि स्टेच्यूटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग हाईवेज, यानी कि राजमार्गों को निर्देशित करने वाली जो वैधानिक ढांचा है और जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, किसके लिए, लेट डाउन फॉर एक्वायरिंग लैंड फॉर हाईवे, ठीक है, हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जो लैंड, जो भूमि को अधिग्रहण करने की जो निर्धारित प्रक्रिया है, ठीक है ना, डिड नॉट प्रोवाइड फॉर, वो प्रावधान नहीं करती है प्रायर क्लियरेंस रिक्वायरमेंट की, यानी कि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता को वो निर्धारित नहीं करती है, या उसको उसकी प्रावधान नहीं, उसका प्रावधान नहीं करता है ये, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि अपने पहले के आदेश से हटते हुए ये अब कहती है कि जो हाईवे को गवर्न करने वाला जो स्टेच्यूटरी फ्रेमवर्क है, यानी कि हाईवे को निर्देशित करने वाले जो वैधानिक ढांचा है, और जो हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहण करने वाले, या हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए जो भूमि का अधिग्रहण करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, जो निर्धारित प्रक्रियाएं हैं, उसमें कोई भी प्रावधान नहीं है पूर्व पूर्व मंजूरी के आवश्यकता की, ठीक है ना। द कोर्ट्स लाइन ऑफ रीजनिंग, कोर्ट का जो लाइन ऑफ रीजनिंग है, यानी कोर्ट का जो तर्क वितर्क जो है, वो या कह सकते हैं तर्क जो है, वो बेस्ड है मोस्टली ऑन डेवलपमेंट सेंट्रिक स्टेच्यूट्स पर, यानी कि विकास केंद्रित कानूनों पर यह जो है कोर्ट का तर्क ज़्यादातर आधारित है। और यह जो तर्क है वो क्या है, इज समथिंग ऑफ ए डिसअपॉइंटमेंट, ये मतलब कि एक निराशाजनक है, व्हेन इट कुड हैव टेकन, जबकि जबकि ये जो है ये ले सकती थी, इवन एट दिस स्टेज, यहाँ तक कि इस चरण में भी, हॉलिस्टिक व्यू, एक समग्र व्यू ले सकती थी, कह सकते हैं दृष्टिकोण ले सकती थी, या इस बात को ले सकती थी, किस बात को, कि द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है, उसके व्यू को, उसके हॉलिस्टिक व्यू को ये इस चरण में भी ले सकती थी, ठीक है। लेकिन ये जो है कोर्ट जो है उसका जो लाइन ऑफ रीजनिंग है वो मोस्टली किस पर आधारित था, आधारित है डेवलपमेंट सेंट्रिक इंस्टीट्यूट्स पर, ठीक है। ट्रू, ये सच है, इट हैज लेफ्ट ओपन द क्वेश्चंस, इसने जो है प्रश्न को खुला छोड़ दिया है कि क्या जो क्लियरेंसेस है, जो मंजूरी है ऑप्टेन आफ्टर द लैंड्स वर नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन आर वैलिड, कि क्या एक्विजिशंस के लिए, यानी कि अधिग्रहण के लिए, ठीक है, जब लैंड्स को नोटिफाई किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि जो भूमि को अधिसूचित किया जाता है, उसके बाद मंजूरी को प्राप्त करना जो है वो वैलिड है, वो मतलब वैलिड है, वैलिड मतलब कि एक तरीके से वो सही है, ठीक है। एंड द प्रिंसिपल, और जो ये प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवेज, ये जो हाईवेज का जो निर्माण होगा वो शुरुआत, वो उसकी शुरुआत नहीं हो सकती है बिना इस प्रकार के क्लियरेंसेस का, ऑल्सो स्टेज वो भी मतलब कि बना हुआ है, बट इट इज नॉट इनकंसेबल, लेकिन यह समझ के परे नहीं है, यह समझ के बाहर नहीं है कि कोर्ट का जो पोजीशन है, कोर्ट का जो एक तरीके से जो फैसला है, मे हैव रेंडर्ड, इसने
कर दिया है, इसने बना दिया है इस प्रोजेक्ट को एक फैट अकॉम्पली। एक फैट अकॉम्पली मतलब ऐसा चीज जिससे कि आप पीछे नहीं हट सकते, मतलब एक निर्विवादित तथ्य बना दिया है। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।